तकलीफ नहीं दे सकती, पर मुझे गलत लगता था। मीरा युवे के कंधों से सर हटाकर वो सामने देखने लगी। मीरा सामने देखते हुए बोली, वीर जी मैं किसी को हर्ट नहीं करती, आप जानते हो, फिर भी आप। मीरा चुप हो गई। युवे मीरा के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, पर मीरू तू भले ही जो कर रही है वो किसी के भले के लिए हो, लेकिन तू जानती है नील। मीरा बीच में ही बोली, वीर जी वो समझता है, मैं जानती हूँ वो समझता है मुझे। आपको पता है वीर जी, वो ना आपकी तरह ही मेरे मन की बात समझ जाता है और ये बात भी समझ जाएगा। युवे ने इतना कहा, और तेरी तकलीफ का क्या? कि मीरा मुस्कुराती, मीरा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बहुत खुश हूँ, कुछ टाइम के लिए मैं अपने घर आई हूँ। युवे मुस्कुरा कर बोला, मैं भी समझता हूँ तुझे और तू ये बहुत अच्छे से जानती है। मीरा कुछ बोल नहीं सकी, वो उठकर नीचे चले आई। युवी अब खुद में ही बोला, वाहे गुरु मेरी मीरू को हिम्मत दो। मीरा कमरे में आ गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीरा रोते हुए बोली, मैं उसे तकलीफ कैसे दे सकती हूँ, उसने मुझे इतना कुछ दिया है, आज उसकी आंखों से निकला आंसू मुझे कितना तोड़ चुका है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आज वो मेरे इतने पास था, फिर भी मैं उसे ठीक से देख तक नहीं पाई। फिर मीरा ने अपने आंसू पोंछे। मीरा खुद से बातें करते हुए बोली, मीरू तू बहुत स्ट्रांग है, तू जो कर रही है उसके लिए ही तो कर रही है, और बस थोड़ा वक्त, फिर उन्हें भी पता चल जाएगा मीरा से पंगा लेना बहुत भारी पड़ता है, अभी तक जाना नहीं है मुझे। मीरा के चेहरे पर एकदम गुस्से वाले भाव थे। मीरा ने दरवाजा बंद किया और बेड की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे नील की कही बात याद आ गई, बेड पर नींद नहीं आती तुम्हारे बिना। मीरा काउच पर आकर लेट गई। मीरा ने आंखें बंद कर ली कि तभी उसे नील का आना, उसकी बातें, उसकी आंखों के आंसू याद आने लगे। मीरा उठकर बैठ गई। मीरा खुद से बातें करते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड आई मिस यू अ लॉट। मीरा उठकर खिड़की के पास आई कि नजरें सीधा बालकनी में बैठे नील पर गई, जो खामोशी से बैठा एक टक चांद को निहार रहा था। मीरा उसे देखने लगे। मीरा मन में बोले, थैंक यू बाबा जी, एटलीस्ट देख तो लिया। नीरा चुपचाप बैठा हुआ था, उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है, तो नील ने सामने की ओर देखा। वो मीरा को देखता उससे पहले ही मीरा पीछे हो गई। नील मन में बोला, आई नो तुम ही हो वाइफी। नील शांति से फिर से बैठ गया। नील फोन निकालकर किसी को कॉल करके बात करने लगा। मीरा ने उसे देखा, तभी अचानक नील की नजरें मीरा पर चली गई। मीरा उसे देख रही थी। नील नजरें फेर लिया और फोन पर बात करने लगा। नील के इस तरह नजरें फेर लेने से मीरा की आंखें भर आई, वो पीछे हट गई और कमरे में आ गई। नील ने भी फोन रख दिया। नील मन में बोला, बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए मुझे इग्नोर करना, अब पता चलेगा कितनी तकलीफ होती है। मीरा कमरे में आ गई, वो आकर काउच पर बैठ गई। मीरा मन में बोली, अकड़ू। वो काउच पर आकर लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज गए। मीरा इधर उधर चक्कर लगाने लगी। अचानक खिड़की के पास आते ही नजरें नील पर गई, जो अब भी बालकनी में बैठा हुआ था। मीरा खुद से बातें करते हुए बोली, ओफो ये अभी तक सोया नहीं, बात में फिर सो भी नहीं पाएगा और सुबह भी जल्दी उठ जाता है, ये भी ना। तुम समझते क्या हो खुद को, हाँ अकड़ू। नील एक लंबी सांस लेकर बोला, आई एम सॉरी। मीरा चुप हो गई। दोनों चुपचाप फोन कान से लगाए हुए थे। मीरा धीरे से बोली, गुड नाइट। नील गुस्से से बोला, गुड नाइट, वाओ गुड क्या है हमारी लाइफ में। मीरा ने कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। सुबह रितेश जी मीरा को जगाने आए, दरवाजा बंद था। वो दरवाजा खोलकर अंदर आए और उन्होंने देखा मीरा काउच पर सो रही थी। मीरा कुछ घंटों पहले ही सोई थी। रितेश जी उसके सर के नीचे कुशन लगा दिए और खिड़की के पास आकर कर्टेंस हटाने लगे कि उनकी नजर बालकनी में नील पर पड़ी, जो चेयर पर बैठे हुए ही सो रहा था। नील भी कुछ घंटे पहले ही सोया था। रितेश जी ने नील को देखा, फिर वो मीरा की ओर देखने लगे।
रितेश जी खुद में बोले, लगता है दोनों ही मुझ चुप हो गए और वापस मीरा के पास आ गए। रितेश जी ने मीरा के सर पर हाथ रखा और फिर उठकर बाहर आ गए। युवी मीरा के कमरे की तरफ ही आ रहा था। रितेश जी उसे देखते हुए बोले, युवी कहाँ जा रहे हो? युवी बोला, गुड मॉर्निंग बड़े पापा, वो मीरू को उठाने जा रहा था। रितेश जी बोले, रहने दो बेटा, शायद कुछ वक्त पहले ही सोए है। युवी रुक गया, रितेश जी चले गए और युवी मीरा के कमरे की तरफ आया, वो काउच पर सोई हुई थी। युवी मीरा को देखकर बोला, ये मीरू काउच पर क्यों सो रही है? युवी बेड के पास आया, वो बेड की चद्दर ठीक किया, तभी पिलो के नीचे कुछ दिखा। युवी ने पिलो हटाया, उसने देखा पिलो के नीचे नील की फोटो थी। ये वही फोटो थी जो मीरा के साथ अपने लेकर आई थी। युवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, वो मीरा की ओर देख फोटो रख दिया और खुद से बातें करते हुए बोला, तू पागल है मीरू। युवी कुछ सोचने लगा, उसने कमरे में लगी खिड़की की ओर देखा और खिड़की की ओर देखकर बोला, उठ जाएगी अभी, बंद कर देता हूं। युवी खिड़की बंद करने लगा कि तभी अचानक उसकी नजरें नील पर गई। युवी की आंखों में नमी आ गई, वो खिड़की खुली छोड़ दिया और कमरे से बाहर आ गया। सब ऑफिस जा चुके थे, युवी गाड़ी लेकर कहीं और चला गया। मीरा भी सोई हुई थी। इधर सुबह की किरणें तेज हुई तो नील की आंखें खुल गई, वो उठ गया। खुद को ऐसे देख नील को याद आया वो कल बालकनी में ही था। नील उठा और कमरे में आ गया और वॉशरूम की तरफ चला गया। शारदा जी नील के कमरे में आई तो नील वहां नहीं था। शारदा जी नील को आवाज देते हुए बोली, नील 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 कहाँ है? नील वॉशरूम से बाहर निकलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग नानी माँ। शारदा जी बोली, गुड मॉर्निंग बेटा, तू ब्रेकफास्ट के लिए क्यों नहीं आ रहा? नील ने कहा, वो मैं बस अभी उठा ही था इसीलिए, आप चलिए मैं आता हूँ। उसकी नानी माँ अब भी उसे ही देख रही थी। शारदा जी धीरे से बोली, मीरू की याद आ रही है? नील शीशे में देखकर बाल ठीक करते हुए बोला, नो मैं इतना भी। शारदा जी बीच में ही बोली, तो क्या मैं जानती नहीं अपने नील को? नील उनके पास आकर उनका हाथ पकड़कर बोला, रिलैक्स नानी माँ, आई एम फाइन। शारदा जी बोली, आई नो यू आर नॉट फाइन माय सन। नील बोला, नानी माँ जस्ट रिलैक्स। शारदा जी कुछ नहीं बोली, वो बाहर निकल आई। नील ने आंखें बंद कर ली, उसे कल रात मीरा से बात करना याद आ गया। नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नील खुद में ही बोला, इग्नोर किया तो कम से कम बात तो की मुझसे। नील बेड के पास आया, वो ड्रॉर से कार की चाबी निकालने लगा कि उसकी नजरें टेबल पर रखी अपनी और मीरा की शादी की फोटो पर गई। नील एकटक उसे देखने लगा, तभी जानवी आई। वो नील को इस तरह फोटो देखते देखकर चिढ़ गई और कुछ सोचकर मुस्कुराई। जानवी नील के पास आई, नील अब सीधा खड़ा हो गया। जानवी ने पूछा, नील तू ठीक है? नील ने कहा, जानवी बोली, चल ब्रेकफास्ट कर ले। जानवी ने अपनी व्हीलचेयर घुमाई जाने के लिए कि तभी अचानक नील ने देखा टेबल हिल रही थी। नील और मीरा की शादी की फोटो गिरने लगी। फोटो गिरते उससे पहले ही नील हाथ नीचे कर लिया, फोटो उसके हाथ में आ गई। जानवी छिड़ गई। जानवी बात संभालते हुए बोली, सॉरी नील, वो ये व्हीलचेयर की वजह से हुआ। नील ने कहा, कोई नहीं मैं हूं ना, संभाल लिया। और फिर ये फोटो बहुत स्पेशल है। नील ने वो फोटो ठीक से टेबल पर रख दी। नील दोबारा बोला, चल ब्रेकफास्ट के लिए, और अब वीकनेस कम होगी तो चलने की कोशिश कर, वरना तुझे ही प्रॉब्लम होगी। जानवी इस वक्त छिड़ी हुई थी, वो वहां से चली गई और नील कुछ सोचने लगा। फिर वो बाहर निकल आया। कुछ वक्त बाद युवी घर आया, उसके हाथों में एक बॉक्स था। विशु उसे देख मुस्कुराई। विशु मुस्कुरा कर बोली, क्या बात है, आज तो बड़े खुश हो। युवी बोला, कुछ काम है, चल मेरे साथ। युवी विशु को लेकर मीरा के कमरे में आया, मीरा सोई हुई थी। विशु कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ और ये बॉक्स कैसा है? युवी धीरे से बोला, धीरे बोल। और उसने वो बॉक्स खोला। विशु मुस्कुरा उठी।
दोनों ही कुछ करने लगे और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गए। कुछ देर बाद मीरा की आंखें खुली, वो उठकर बैठी और आंखें मसलते हुए अंगड़ाई लेने लगी कि फिर वो एक टक पूरा कमरा देखने लगी। मीरा एक टक अपना कमरा देख रही थी, उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। बेड के पास नील मीरा की शादी की फोटो रखी हुई थी। काउच के ठीक सामने दीवार पर नील और मीरा की, विशु और युवी की शादी के वक्त की फोटो थी और भी बहुत सी फोटोज थी। मीरा मुस्कुराते हुए सब देख रही थी। तभी उसे कुछ आहट हुई, वो उठ गई। युवी अंदर आया, उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें मीरा के लिए ब्रेकफास्ट था। मीरा खड़ी हो गई। युवी बोला, गुड मॉर्निंग। मीरा ने कहा, गुड मॉर्निंग वीर जी। तभी मीरा ने घड़ी की तरफ देखा जिसमें 11 बज रहे थे। मीरा हैरान होकर बोली, अयो रब्बा, हो गया स्यापा, माँ तो आज मुझे छोड़ेगी नहीं। युवी ने मुस्कुरा कर पूछा, चुप कर, तू कब सोई थी? युवी ने ट्रे टेबल पर रखा। मीरा शांत थी। युवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे काउच पर बैठा दिया। युवी ने पूछा, बता कब सोई थी और काउच पर क्यों सोई थी? मीरा धीरे से बोली, सुबह 4 बजे तक तो जगी थी, पता नहीं कब आंख लग गई वीर जी। ये फोटोज कहां से आए? युवी सब देखकर अनजान बनते हुए बोला, हाँ किसने लगवाए, तूने? मीरा ने कहा, वीर जी आपने ही लगाई है ना? युवी नाटक करते हुए बोला, मीरू अपने वीर जी पर भरोसा नहीं है ना तुझे? मीरा मन में बोली, वीर जी आपको पता चला तो आप पता नहीं क्या करोगे, इसीलिए शांत हूं। मीरा फिर युवी से बोली, वीर जी आज आप ऑफिस नहीं गए, क्यों? युवी ने कहा, तू खा ले, मैं चला जाऊंगा। मीरा मुस्कुरा कर बोली, मैं खा लूंगी, आप जाइए ऑफिस। युवी बोला, नहीं खाएगी तू, जानता हूं। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, मेरे वीर जी खुद मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं, ऐसे कैसे नहीं खाऊंगी? युवी हल्के से मुस्कुराया, वो उठा पर फिर पलट कर बोला, नील बालकनी में सो रहा था। मीरा युवी को देखने लगी, उसके चेहरे पर दर्द उभर आया, वो खड़ी हो गई। मीरा बात बदलते हुए बोली, वीर जी छोड़ो ना, जो करना है करे, मुझे क्या? युवी मीरा की ओर देखकर बोला, तो काउच पर क्यों सो रही थी? मीरा हिचकिचाते हुए बोली, वो बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी इसीलिए, और मुझे। युवी बीच में ही बोला, मीरू वो फोटो देख ली थी मैंने, सॉरी। युवी बाहर चला गया। मीरा बेड के पास आई और तकिए के नीचे से नील की फोटो निकाली। मीरा ने नील की फोटो देखकर कहा, इडियट हो, सच्ची बालकनी में चेयर पर सो गए। मीरा अपने कमरे में आई और अपनी और नील की फोटोज देखने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने मुस्कुराते हुए नील की फोटो पर किस किया और बोली, आई लव यू मिस्टर हस्बैंड। नील ब्रेकफास्ट के बाद कमरे में आया, उसने किसी को फोन किया। नील फोन पर बात करते हुए बोला, कुछ समझ आया? और हाँ, जितना कहा है उतना करो, ध्यान से, मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, और नील खन्ना कभी हारता नहीं। गुड एंड थैंक यू सो मच। नील कॉल कट कर दिया। फिर वो दोबारा किसी को कॉल किया और बोला, यस सर, मैं रेडी हूं। दूसरी ओर से मिस्टर कपूर बोले, थैंक्स बेटा। नील झिझकते हुए बोला, प्लीज सर, बहुत कुछ सीखा है आपसे, मुझे खुशी होगी आपका काम करके। कुछ देर बाद नील फोन रख दिया। नील खुद से बातें करते हुए बोला, इस कमरे में रहना वैसे भी बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। नील बाहर आया, फिर कुछ सोचकर वो कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। क्या चल रहा था नील के दिमाग में? क्या उसको मीरा की परेशानी की वजह पता चल गई है? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट FM पर। सिमी जी अपने कमरे में परेशान से बैठी कुछ सोच रही थी। नील उनके पास आया और बोला, मॉम। सिमी जी एकदम से बोली, हाँ नील, क्या हुआ बोल। नील ने कहा, मॉम वो मैं मिस्टर कपूर के ऑफिस जा रहा हूँ, आप प्लीज ध्यान रखिएगा, जानवी मेरे कमरे में ना जाए।
सिमी जी नील को ही देख रही थी, वो बोली, कुछ हुआ है? नील ने हल्का सा स्माइल करते हुए ही कहा, नहीं बस ऐसे ही, और आप प्लीज रिलैक्स रहिए, मैं ठीक हूं। कुछ देर बाद नील चला गया। वो बाहर आया और अपनी कार के पास आ गया। जानवी पीछे से बोली, नील? नील पलटा, सामने घर के दरवाजे पर जानवी थी, अपने पैरों पर खड़ी। नील ने उसे देखा। जानवी धीरे धीरे चलते हुए आने की कोशिश कर रही थी। जानवी के मुंह से निकला, आह! वो गिरती उससे पहले ही उसने नील का हाथ पकड़ लिया। नील जानवी को सीधा खड़ा कर दिया। जानवी जानबूझकर नील के कॉलर पकड़ ली। वो फिर एकदम से गिरने लगी, जिससे नील की शर्ट पर अपनी पकड़ वो खींच दी और नील की शर्ट के कुछ बटन खुल गए। नील जानवी को पकड़ कर सीधा किया। जानवी नौटंकी करते हुए बोली, आह, बहुत दर्द हो रहा है। नील जानवी का हाथ छोड़ने लगा। अचानक उसे मीरा की कही बात याद आ गई, जानवी का ख्याल रखना मेरे लिए। नील ने जानवी का हाथ पकड़ लिया। नील ने कहा, ऐसे नहीं कहा था मैंने, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी थी अभी। जानवी धीरे से बोली, मैंने बस। नील जानवी के करीब आया, उसे गोद में उठाया और घर की तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगा। जानवी नील को देख रही थी। मीरा अपनी खिड़की पर थी, वो गुस्से से दोनों की ओर घूर रही थी। मीरा गुस्से से बोली, व्हाट इज दिस, नाउ आई विल किल यू द एक्स्ट्रा चिपको गम, और मिस्टर हस्बैंड, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, अब आ कर देखो मेरे पास, तब मैं बताती हूँ तुम्हें। नील जानवी को उसके कमरे में छोड़ दिया और फिर बाहर निकल आया। उसने अपने शर्ट के बटन बंद किए और देखा, फिर अपने कमरे में आकर कबर्ड से दूसरी शर्ट निकालकर शर्ट चेंज करके बाहर आ गया। कुछ समय बाद मीरा अपने घर से निकली। वो खन्ना हाउस की तरफ बढ़ गई। आज कितने ही दिनों बाद वो यहाँ थी। मीरा अंदर आई, हॉल में कोई नहीं था। मीरा अंदर आई, वो एक टक पूरा घर देखने लगी। दहलीज पर खड़ी मीरा ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, उसे अपना गृह प्रवेश याद आने लगा। फिर घर से जाना, मीरा की आंखें नम हो गई। मीरा अंदर आई, हॉल से होते हुए मीरा ऊपर सिम्मी जी के कमरे की तरफ जाने लगी, तभी उसकी नजरें किचन पर गई। मीरा को एकदम से वो दिन याद आ गया जब घर पर कोई नहीं था। वो खाना बना रही थी और नील उसके पास आया और अचानक उसके गाल पर किस किया। मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। मीरा सिम्मी जी के पास आई और धीमी आवाज में बोली, मम्मी जी। मीरा उनके पास आए। सिम्मी जी नाराज होते हुए बोली, क्या हुआ, अब क्यों आई है? मीरा बोली, चली जाऊं? सिम्मी जी मीरा के सर पर हल्की चपत लगाकर बोली, धत पागल लड़की मीरू। मीरा सिम्मी जी के गले लग गई। सिम्मी जी बोली, मीरू नील। मीरा सिम्मी जी से अलग होते हुए बोली, मैं आपसे मिलने आई हूं, नानी मां कहाँ है? सिम्मी जी धीरे से बोली, मां अपने कमरे में होंगी। मीरा कुछ देर सिम्मी जी के पास रुककर शारदा जी से मिलने गई। शारदा जी मीरा का हाथ थामते हुए बोली, मीरा नील बहुत अकेला हो गया है, आ जा वापस। मीरा ने कहा, बस नानी मां कुछ दिन और, वैसे भी आप सब तो है ही ना। शारदा जी बोली, बेटा वो तेरे साथ। मीरा बात काटते हुए बोली, छोड़िए ना नानी मां उसकी बातें। मीरा कुछ देर बाद उठी, फिर उसने पूछा, नानी मां जानवी कहा है, वो ठीक है ना? शारदा जी बोली, हाँ ठीक ही है, अपने कमरे में ही होगी। मीरा जानवी के कमरे में आई। जानवी अपने में ही मुस्कुरा रही थी। मीरा ने दरवाजा बंद कर दिया तो जानवी ने उसकी ओर देखा। मीरा ने पूछा, जानवी कैसी हो? जानवी मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स बहुत खुश हूं, देखा ही होगा तुमने, नील खुद मुझे अपनी बाहों में उठाकर लाया। मीरा जानवी को देख रही थी। वो बिना किसी भाव के बोली, देखिए तुम्हारी नौटंकी, अब बंद करो और मेरे पास आओ जरा। जानवी मुस्कुराते हुए उठकर मीरा के पास आई और बोली, कहा था ना। मीरा बीच में ही बोल पड़ी, डार्लिंग शट अप, डोंट इवन डेयर, मेरे पति से ना दूर रहो, और एक बात क्लियर कर दूं,
वो तुम्हें सिर्फ इसीलिए संभाल रहा था क्योंकि मुझसे प्रॉमिस किया था उसने तुम्हारा ध्यान रखेगा। मीरा गुस्से से जानवी को देख रही थी। जानवी बोली, जो भी हो नील, वैसे भी वो तुमसे। मीरा बीच में ही जानवी की आंखों में देखते हुए बोली, बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत, और वो प्यार उसकी आंखों में बहुत अच्छे से दिखता है। जानवी ये सुनकर हंसने लगी और फिर बोली, अब तुम तो हो नहीं। तभी मीरा बोली, तो हमारा प्यार और बढ़ रहा है और मेरे पति पर मुझे पूरा भरोसा है, वो तुम्हें बर्दाश्त भी सिर्फ मेरी वजह से ही कर रहा है। और जानवी, मीरा इतना बोलकर चुप हो गई और वो जानवी का हाथ मोड़ते हुए पीछे कर बोली, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं तुम मेरे पति के क्लोज आओ, तो अपनी हदें मत भूलो। मैं घर से दूर हूं पर मैं उसे छोड़कर नहीं गई हूं, डिवोर्स नहीं हुआ हमारा और ना कभी होगा। जानवी के हाथों में दर्द होने लगा, वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो मीरा और जोर से उसका हाथ मोड़ते हुए बोली, डार्लिंग, मीरा को समझना तुम्हारे और तुम्हारे दादू के बस की बात नहीं। मीरा अभी मैदान में उतरी नहीं है, सो जितना खुश होना है हो लो समझी, पर मेरे नील से दूर रहना, क्योंकि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। धमकी समझना इसे, चेतावनी देने लायक तुम हो नहीं। मीरा ने गुस्से से जानवी को धक्का दे दिया तो जानवी सीधा जमीन पर जा गिरी। मीरा ये देखकर बोली, ऑलरेडी इतना गिर चुकी हो कि बाबा जी ने भी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। मीरा इतना बोलकर चली गई। जानवी अपना हाथ पकड़ते हुए उठ गई। उसने अपना हाथ देखा, उसका पूरा हाथ लाल हो चुका था। जानवी गुस्से से बोली, मीरा तुम्हें तो मैं देख लूंगी। मीरा नील के कमरे में आई, दरवाजा बंद था। बोली रही थी कि नील उनकी बात काटते हुए बोला, छोड़िए ना, जब उसे फर्क नहीं पड़ता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई डोंट केयर। शारदा जी नील के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, रियली यू डोंट केयर। नील की आंखें नम हो गई, वो बोला, नानी मां, नाउ आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग। शारदा जी चली गई। नील चुपचाप बैठकर कॉफी पीने लगा। जानवी गुस्से से मुंह बनाए अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे बार बार मीरा का उसका हाथ मोड़ना याद आ रहा था। जानवी ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा कि टेबल पर रखी नील के साथ की उसकी फोटो नीचे गिर पड़ी और फोटो का फ्रेम टूट गया। जानवी ये देखकर नीचे बैठ गई। जानवी फोटो देखकर बोली, ये फोटो मेरी और नील की। जानवी की परेशानी उसके चेहरे पर छलक आई। वो फोटो फ्रेम उठाकर कांच हटाने लगी। जानवी बोली, आ। जानवी के मुंह से चीख निकली क्योंकि कांच उसके हाथ में छुप गई थी। उसने अपना हाथ पकड़ लिया, उसके हाथों से खून निकल रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी राकेश जी जानवी के कमरे में आए। जानवी को ऐसे देखते ही वो भाग कर उसके पास आए और पूछा, जानवी ये क्या हो गया बेटा। राकेश जी के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। वो जानवी को उठाकर बेड पर बैठाए और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए और जानवी के हाथ से कांच का छोटा टुकड़ा निकाले। जानवी दर्द से चीखी, आ दादू। राकेश जी एकदम से बोले, सॉरी बेटा। उन्होंने जानवी की चोट पर दवा लगाया और पट्टी किया। राकेश जी ने पूछा, बेटा कैसे हुआ ये। जानवी गुस्से से बोली, ये सब उस मीरा की वजह से हुआ है, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जानवी की आंखों में इस वक्त नफरत और गुस्सा साफ दिख रहा था। राकेश जी ने जब सुना कि मीरा के कारण जानवी को चोट आई थी तो उसके मन में गुस्सा बढ़ गया। रात को नील खाने के लिए बैठा था कि अचानक उसे मीरा का जाना फिर याद आ गया। उसके हाथ रुक गए। जानवी ने नील को देखकर पूछा, नील क्या हुआ, तू खा क्यों नहीं रहा। नील कुछ नहीं बोला और सब ये देख रहे थे। संजीव जी ने भी नील को आवाज दी, नील। नील एकदम से बोला, यस यस डैड। प्रताप जी ने पूछा, बेटा ध्यान कहाँ है तेरा। जानवी और उसके दादू नील को ही देख रहे थे। शारदा जी और सिम्मी जी को मीरा का जाना याद आ गया। नील बोला, नानू वो बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है। और वो उठ गया। सिम्मी जी नील को उठता देखकर बोली, नील तू खाना तो खा। नील ने कहा, मॉम मैं अपनी कॉफी बनाने जा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है। सिम्मी जी बोली, थोड़ा तो खा ले, मैं बना देती हूँ कॉफी। तभी नील बोला,
मॉम मन नहीं है और कॉफी मैं बना लूंगा, आप सब प्लीज खाना खाइए। शारदा जी ने सिमी जी को कुछ ना कहने का इशारा किया, तभी नील किचन की तरफ आ गया। इधर मीरा नील के नजरअंदाज करने से बहुत हर्ट थी। वो अपने कमरे में थी, उसे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मीरा ने देखा तो सामने रितेश जी थे। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, पापा। रितेश जी नाराजगी भरे लहजे में बोले, तो मेरी प्रिंसेस अब बातें छुपाने लगी अपने पापा से? हाँ। मीरा बोली, नहीं तो बिल्कुल नहीं। रितेश जी प्यार से बोले, बच्चा। मीरा मुस्कुराते हुए रितेश जी के हाथ पकड़ लिए और बोली, पापा आई एम फाइन, सच्ची मैं बिल्कुल ठीक हूं। रितेश जी को बात बढ़ाना सही नहीं लगा, वो बोले, अच्छा ठीक है चलो डिनर के लिए। मीरा रितेश जी के साथ चले गई। नील किचन में कॉफी बनाने गया था। वो जैसे ही बर्तन चढ़ाया कि कुछ सोचने लगा, फिर नील चाय बनाने लगा। कुछ देर बाद वो चाय छान कर कप में डाला कि जानवी किचन में आई। वो ये देखकर हैरान थी। जानवी हैरानी से बोली, नील तू चाय? तू चाय कब से पीने लगा और तुझे चाय बनानी? नील बीच में ही बोला, चाय ही तो है आ गई बनाने, और फिर बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो ना चाहते हुए भी मैं बर्दाश्त कर। कुछ दिन बीत गए,